मतलब ये है कि अगर आपका मोबाइल ये ईमेल आईडी किस किस मोबाइल या कंप्यूटर में लॉगिन है, अगर आप हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका ईमेल आईडी कोई हैक कर रखा है नहीं कर रखा है, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू आपका फ़ोन जुड़ा होता है और फ़ोन की सारी जानकारियां आपके ईमेल आईडी पर होता है, जैसे आपका फ़ोटो और आपका जो है मोबाइल से लिंक होता है, आपका जो है उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, वो सब ऐप भी ईमेल आईडी से हैक किया जा सकता है आपका, और उससे आपके पर्सनल वीडियोज या फिर आपका गैलरी यार जो है या फ़ोन किससे बात करो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर सब आप वो देख सकता है और वो सब मिसयूज भी कर सकता है। तो आपका ईमेल आईडी हैक है या नहीं है वो चेक करने के लिए मैं इस वीडियो में बताऊँगा कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए सब शुरू करते हैं। आप ये चीज़ को मोबाइल में भी आप कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी करते हैं, जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल या कंप्यूटर में क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर गूगल में जाकर के यहाँ पर लिखना है गूगल, आपको क्रोम में ओपन करके और गूगल सर्च करना है। तो गूगल जैसे ही आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ये आ गया गूगल और इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा हो सकता है कि नया मोबाइल हो तो उसमें ईमेल आईडी और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पर साइन इन करना है और इसमें अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर और इसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे नेक्स्ट करोगे तो बिल्कुल जस्ट ऐसे आ जाएगा। तो इसके आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आइकन आ रहा है, मेरा फोटो आ रहा है, आपका हो सकता है नाम आए, कुछ भी आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस आइकन पर क्लिक करना है और इसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसके बाद कि आपका मोबाइल कोई हैक है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी में आएंगे और आने के बाद आपको यहाँ से इसमें देखिए आपको दिखाएगा यहाँ पर दो तीन, यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज और गैलेक्सी A6 प्लस। इन दोनों का मतलब ये है कि अगर आपका मोबाइल ये ईमेल आईडी किस किस मोबाइल या कंप्यूटर में लॉगिन है, अगर आपका जैसे मेरा ये मोबाइल है A6 प्लस है तो इसमें लॉगिन है तो बिल्कुल सही है, मगर कोई और यहाँ पर आपको डिवाइस का नाम दिखाता तो वो हो सकता है उस डिवाइस से आपका मोबाइल में जो है आपका मोबाइल को हैक किया गया, उसका नाम आएगा यहाँ पर, या फिर आप उसका जो है क्या होगा कि उस मोबाइल में भी लॉगिन है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके और उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन आउट कर सकते हो, या इस पर क्लिक कर दोगे तो दोबारा अगर कोई उसमें लॉगिन करना भी चाहेगा उस डिवाइस में तो डिवाइस में लॉगिन नहीं कर पाएगा, अगर आप इस पर क्लिक कर दिया, वो आपका जान पहचान का कोई भी डिवाइस नहीं है तो इस पर क्लिक करना है, अगर जान पहचान का है तो आप साइन आउट कर सकते हो। और इसके बाद जो है आप यहां से देख सकते हो, ये तो मेरा कंप्यूटर है जिसमें मैंने लॉगिन कर रखा है और यहां पर ये मेरा मोबाइल है जिसमें मेरा ये लॉगिन है, इसकी वजह से आपको जो है कोई भी नुकसान नहीं वो उठाना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताएं, और पिछले वीडियो में अगर आप अपने फोन को मतलब खोए हुए फ़ोन को अगर ट्रैक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो ट्रैकिंग, और पिछले वीडियो में आपको जाके देख सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको कोई जानकारी चाहिए इससे विशेष जरूरी तो आप मुझे कमेंट करें, आपको मैं जरूर जानकारी प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।